वन प्लस का आ चुका है प्रीमियम लुकिंग फोन। ये फोन आता है 1.5K डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको सुपर ब्राइट डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी और 80 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है सुपर फास्ट वाली। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 वाला प्रोसेसर मिल रहा है जो कि बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का है। इसमें 800,000 से भी ऊपर का एंटूटू स्कोर है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ, बताते हैं आपको सब कुछ अच्छा और बुरा। वीडियो में बने रहिए। अनबॉक्सिंग आपने देख ली, अब फोन की लुक्स देख लो। ये फोन की लुक बिल्कुल एक 50,000 रुपए वाली फोन की लुक है, जबकि उतने का ये है नहीं। मुझे लगता है 30-35,000 के आसपास आएगा। और इसमें आपको वो वाली लुक मिलती है जो कि वन प्लस के पहले फोन में आई थी, सैंडस्टोन वाली लुक। लेकिन उसकी फिनिशिंग मैट है तो कोई भी फिंगरप्रिंट स्क्रैचेस नहीं मिलते हैं। एक हफ्ते यूज करने के बाद भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। और फ्रंट पे स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलता है जो कि आजकल बहुत सारे फोनों में मिसिंग है। महंगे महंगे फोन में भी स्क्रीन गार्ड नहीं आता, यहाँ पे OnePlus ने दिया है इसके ऊपर। प्लास्टिक का पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है जो कि काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है। पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है और फ्रंट में भी असाही ड्रैगन ट्रेल ग्लास है। IP54 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है और ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड फोन है। और यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट वाला केस भी नहीं है जो कि पीला पड़ जाता है। काफी अच्छी क्वालिटी का एक बढ़िया केस आपको पैकेज के अंदर मिल जाता है, जिससे आप अपने फोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डे वन से। डिस्प्ले भी बहुत कमाल का इस फोन में मिलता है। यहाँ पे FHD+ डिस्प्ले है 1.5K रेजोल्यूशन के साथ, क्रिस्प एंड क्लियर डिस्प्ले है। इसकी जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छी है। इंडोर हो या आउटडोर हो, बहुत अच्छे से ऑटोमेटिक ब्राइटनेस हैंडल कर लेती है। बाहर आराम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है जो कि हाई रिफ्रेश रेट है। और ओवरऑल डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है वो तो अच्छी है ही, HDR10+ का सपोर्ट भी है। तो नेटफ्लिक्स हो या Amazon Prime Video हो, कोई भी आप शो वगैरह देख रहे हैं तो आप HD में उसको आराम से स्क्रीन कर सकते हैं और HDR का मजा भी ले सकते हैं, ना सिर्फ OTT पे, YouTube पे भी। यूनिफॉर्म डिस्प्ले बेजल के साथ आता है, यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि नीचे का बेजल मोटा है ऊपर का पतला है। बिल्कुल बढ़िया प्रीमियम वाला डिस्प्ले आपको मिलता है। ये 10-bit डिस्प्ले है। कंपनी प्रॉमिस करती है कि 1500 nits की ब्राइटनेस पे ये डिस्प्ले चला जाता है पीक ब्राइटनेस पे, और HDR देखते हुए वो लगता भी है। साथ साथ हमारे डिस्प्ले मीटर पे इसका स्कोर काफी बढ़िया आया है। डिस्प्ले के अंदर दो कमियां हैं मेरे हिसाब से जो कि ठीक हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर नीचे की तरफ दिया है, ये तो ऊपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ काफी नीचे की तरफ है, वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, शायद आप यूज्ड हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये डिस्प्ले है तो 120Hz, लेकिन ज्यादातर ऐप में, ऑलमोस्ट एवरी अदर ऐप में, ये 60Hz पे भी लॉक हो जाता है। इवन क्रोम के अंदर भी 120Hz तक ये फोन नहीं जा रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक हो सकता है। परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन टॉप नॉच है। यहां पे आपको MediaTek Dimensity 9000 जो कि 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर है, 800,000 से ऊपर का एंटूटू स्कोर भी है और थ्रॉटलिंग भी काफी मिनिमल देखने को मिली जब हमने इसके ऊपर टेस्ट किया CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट से। साथ ही साथ यहां पे रैम एंड स्टोरेज दोनों ही फास्ट है। DDR5 की रैम मिल जाती है और स्टोरेज भी UFS 2.2 है। तो बढ़िया रैम, बढ़िया प्रोसेसर और बढ़िया स्टोरेज के साथ ये फोन आ रहा है, तो आपको मल्टीटास्किंग में, डे टू डे यूसेज में, हेवी टास्क करने में, गेमिंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग एक्सपीरियंस भी इस फोन पे काफी बढ़िया है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन पे काफी अच्छा देखने को मिला है। ऑक्सीजन OS 13 यहां पे मिलता है जो कि Android 13 बेस्ड है। यहां पे आपको 3 साल के मेजर Android अपडेट्स मिल रहे हैं और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी इस फोन पे मिल रहे हैं। इसके अलावा इसका जो UI है वो काफी स्मूथ रहता है, रिस्पॉन्सिव रहता है, रिफ्रेश रेट भी हाई वाला यहां पे पूरी तरह से यूज होता है। लॉन्चर के ऊपर जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे अप एंड डाउन तो आपको वो चीज देखने को मिलेगी। बट एक प्रॉब्लम है, इसका जो लॉन्चर है थोड़ा सा फिनिकी है, थोड़ा सा स्टटर करता है, लैग करता है और कभी कभी क्रैश भी हो जाता है। हालांकि ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इजिली फिक्स की जा सकती है। 50 MP का एक बहुत ही उम्दा कैमरा यहाँ पे दिया गया है, साथ में 8 MP का वाइड एंगल कैमरा है और 2 MP का मैक्रो भी यहाँ पे मिलता है। 50 MP के मेन कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है और हमने जब यहाँ पे इसके स्टेडी मोड को यूज किया है तो OIS सच में आपको एक स्टेबल वीडियो दे देता है। अदरवाइज यहाँ पे फोन के अंदर बढ़िया वीडियो आ जाती है, क्रिस्प वीडियो आ जाती है। हालांकि फोटोज के बारे में मैं एग्जैक्टली वो बात नहीं कह सकता कि नेचुरल फोटोज आ रही हैं, क्योंकि हर एक फोटो काफी ज्यादा ओवर सैचुरेटेड आती है इसमें, चाहे आप इंडोर में ले या फिर आउटडोर में ले। और बहुत से लोगों को वो ओवर सैचुरेटेड कलर्स पसंद आ सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन ओवरऑल यहां पर मुझे लगता है वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है कहीं कहीं पर। बट
पोर्ट्रेट फोटोज अच्छी आ रही हैं, जो डेप्थ वाली फोटोज हैं वो भी अच्छी आ रही हैं, आउटडोर की फोटोज बहुत ही कमाल की आ रही हैं, लैंडस्केप भी अच्छे हैं और वाइड एंगल फोटो भी ठीक ठाक है। तो कैमरा के हिसाब से मुझे लगता है एक डिसेंट कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है। और एक और बात, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको LED फ्लैश मिलता है कैमरा के साथ में, और यहाँ पे आपको एक सेंसर मिलता है, ये एक एम्बिएंट लाइट सेंसर है जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइट के एनवायरनमेंट के हिसाब से डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, और ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेंसर काफी अच्छे से काम करता है इस फोन पे। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, सेल्फी कुछ इस तरह की आ जाती है इंडोर के अंदर जो कि काफी बढ़िया है, लेकिन अगर बाय चांस आपके सर के पीछे कुछ लाइट सोर्स है तो सेल्फी के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है एक्सपोजर वगैरह का, बट अदरवाइज सेल्फी इंडोर में भी काफी कलरफुल और क्रिस्प आ जाती है, आउटडोर में तो बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट सेल्फी आप कैप्चर कर सकते हैं। स्पीकर यहां पे दो मिल जाते हैं, तो स्टीरियो स्पीकर के साथ काफी अच्छी लाउड साउंड आपको मिल जाती है, खुद सुन के देखिए। कनेक्टिविटी इस फोन पे काफी अच्छी है, 5G आराम से चलता है, इवन 5G पे कॉलिंग वगैरह भी आराम से हो जाती है, डेटा भी फास्ट रहता है, स्पीड भी अच्छी आती है, लेकिन यहाँ पे 8 5G के बैंड का सपोर्ट है 13 की बजाय, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मुझे वहां पे लगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है 5G को यूज करने में। Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 लो एनर्जी ब्लूटूथ दिया गया है, तो ओवरऑल कनेक्टिविटी में कहीं कोई कमी नहीं है। सिम कार्ड ट्रे की बात करें तो 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है, लेकिन स्टोरेज इसमें काफी अच्छी आपको मिल जाती है, मुझे नहीं लगता FT कार्ड की जरूरत पड़ेगी। NFC का सपोर्ट भी है जो कि काफी सारे फोन में आजकल नहीं मिलता है, तो NFC के थ्रू आप बाद में पेमेंट वगैरह या ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग इस फोन की इतनी बढ़िया है कि मैं खुद सरप्राइज हो गया, ये फोन 32 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है 0 से 100। साथ ही साथ इस फोन के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और 80 वॉट का चार्जर है, ये सब कुछ पैकेज के अंदर मिल रहा है, तो आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो ये फोन बहुत अच्छा लगा है, इनिशियल एक्सप्रेशन मेरे काफी बढ़िया है, हालांकि इसका फुल रिव्यू हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो फुल रिव्यू का वेट करना, इस वीडियो को लाइक करना, कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।